नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। दिवाली के अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन इंद्र का मान मर्दन कर गिरिराज पूजन किया था। गायों को सुबह स्नान करवा कर फूलमाला धूप चंदन आदि से उनकी पूजा करें। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। वहीं पूजा के बाद गोवर्धन जी की सात परिक्रमाएं उनकी जय जयकार करते हुए करें। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख सकते हैं। फिर इसमें दूध दही गंगा जल शहद बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें और क्या ना करें। गोवर्धन पूजा पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में ही करें। बेहतर होगा किसी पंडित से पूजा करवाएं। वहीं पूजा से पहले प्रातः काल तेल मालिश कर स्नान जरूर करें। घर के बाहर गोवर्धन पर्वत बनाएं, फिर इसकी पूजा करें। गोवर्धन पूजा में गाय का बहुत महत्व है, इसलिए गायों की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना ना भूलें। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर ही गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा करना अशुभ माना गया है। वही पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अगर आपने शुरू कर दी है तो कभी भी उसे बीच में अधूरा ना छोड़े। गोवर्धन की परिक्रमा बीच में छोड़ना अशुभ माना गया है। बता दें कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन बंद कमरे में ना करें। इस दिन चंद्र के दर्शन ना करें। गोवर्धन पूजा में कभी भी काले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा में हल्के पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहने। गोवर्धन पूजा के समय गाय पौधों जीव जंतु आदि को भूलकर भी ना सताएं और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएं। गोवर्धन की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो तो वो रबड़ या कपड़े के जूते पहन सकता है। गोवर्धन पूजा या परिक्रमा करते समय किसी भी तरह की नशीली वस्तु का सेवन ना करें। साथ ही गोवर्धन पूजा या परिक्रमा के समय मांस का सेवन भी ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।